बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेहनाज अंसारी और आप देख रहे हैं चैनल मेहनाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। और आज की रेसिपी है मटर अंडा पराठा, और ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी मैं। तो हरी मिर्च कटी हुई बारीक बारीक इसे काट लेना आपने इस तरीके से, और 2 चम्मच मटर, और 1 चम्मच हरे धनिया के पत्ते, और 2 अंडे, आधा कप आटा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और मेरे साथ रहिए इस रेसिपी के साथ। तो चलें इस रेसिपी की तरफ कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बाउल चाहिए और इसमें अंडे को डाल देंगे। तो हम अभी हमने अंडों को तोड़ के इस बॉल में डाल दिया, और अब इन मटर का पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। जी व्यूअर, तो ये देखें मटर का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसे फ्राई पैन में डालेंगे और 1 चम्मच घी डालकर इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अच्छी व्यूवर्स, तो ये देखें मटर है जो फ्राई हो रहे हैं। इसे सिर्फ इसका कच्चापन हम दूर करेंगे, बिल्कुल भी इसे ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा बस इसे फ्राई करेंगे। अच्छी व्यूवर्स, तो ये देखें मटर है जो वो फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह का करेंगे हम, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे इसको। और अब हम गैस बंद कर देंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे। जी व्यूअर्स, तो अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और नमक हसबे ज़रूरत, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच काली मिर्च, और इसमें आप धनिया डाल देंगे, ये तकरीबन 2 चम्मच है। और 1/2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं गरम मसाला, और अब इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे, और ये मटर का पेस्ट है जो वो ठंडा हो चुका है, ये भी इसमें डाल दूंगी। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे से इसको फेंट लेंगे इस तरीके से, ताकि ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, तो ये अच्छे तरीके से अब मिक्स हो चुका है, और अब इसे छोड़ देते हैं। और अब मैं इसमें आटा शामिल कर दूंगी, ये गंदम का आटा है, आप चाहे तो यहाँ पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे के बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। और इसमें अब 1/2 कप पानी ऐड करूँगी मैं, आधे से कम अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी, इसको सिर्फ इतना पतला करना है ये चम्मच के साथ इस तरह से गिरने लगे। और इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये पराठे का बैटर है जो वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, इस तरीके का हमें चाहिए। और अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसे इसके पराठे बनाएंगे फिर। जी व्यूअर्स, तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, और मटर अंडे पराठे का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसका पराठा बनाएंगे। और इसे 10-20 मिनट के लिए इसलिए छोड़ा था कि ये गंदम का आटा है और ये फूलता है, इसलिए ये देखें गाढ़ा हो चुका है बैटर। तो अब इसका पराठा बनाएंगे।
जी व्यूअर्स, तो अब इसमें तवा है जो वो गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, तकरीबन आधा चम्मच घी है जो वो गर्म हो चुका है, और अब इसे इस तरीके से चम्मच से डाल देंगे। दो चम्मच डालूंगी, आपने जितने बड़े साइज़ का पराठा बनाना हो उस साइज़ का डाल लें आप, दो चम्मच से ज़्यादा डाल लें, और मैं यहाँ पे दो चम्मच डालूंगी। और ये एक साइड है जो इसकी पक चुकी है, अब इसको पलटेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे इस पर ताकि ये चिपके ना, और ये बहुत ही कम घी में पराठा तैयार हो जाता है। और ये देखें बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सा पराठा तैयार है, ये देखें बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं अगर आप इसी तरीके से पकाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया है इस पराठे को। और ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बना है, और अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देखें ये दोनों साइडों से पक चुका है, अब इसे मैं उतार लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा पराठा बना है हमारा, और इसी तरह से मैं दूसरा डालूँगी इस पर दो चम्मच। इस तरीके से आपने चम्मच से इसको है जो वो गोल कर लेना है, और अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा पराठा हमारा तैयार हुआ है, और ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, और बच्चे बड़े हो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और अब ये भी पराठा तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा पराठा तैयार हुआ है, और इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी मैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें अब मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, सॉफ्ट हुई, ये बहुत मज़े का पराठा बना है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस पराठे को आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, और चाय के साथ भी, ये बहुत मज़े के लगते हैं चाय और केचप के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। किसी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।